ओम शांति डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू परमात्मा का कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। 4 से 5 आज राजयोगिनी बी के शारदा दीदी जी ने माइंड एंड मेडिटेशन उसके बारे में हम सबको लाभान्वित किया। तो बहुत अच्छे से जैसे हमारा जो विचार है, थॉट्स है, वो कितने टाइप का होता है। जैसे ऑर्डिनरी थॉट्स हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, तो कभी नेसेसरी थॉट्स भी होता है, तो पॉजिटिव थॉट्स भी होता है। तो अलग अलग हमारे विचार की जो पैटर्न है उसके बारे में बताया, क्या उसका इफ़ेक्ट होता है वो भी बताया, साथ साथ में राजयोग क्या है, हाँ उसके जैसे 8 फोल्ड होते हैं कि भक्ति योग है, कर्म योग है, सहज योग है, ज्ञान योग है, समत्व योग है। तो ऐसे अलग अलग क्या है, कैसे हम महसूस करें वो भी समझाया। और हम सेल्फ जो हमारा है यानी मन बुद्धि संस्कार जो है आत्मा, तो वो आत्मा को हम कैसे मैनेज करें यानी सेल्फ को मैनेज करना, वही राजयोग है। तो बहुत क्लियरली और गहनता से उन्होंने कम शब्दों में और कम टाइम में, बिल्कुल जैसे हमको 50 मिनट मिली थी दीदी जी को, और बहुत अच्छे से समझाया और सबका फीडबैक भी बहुत सुंदर आया है। तो कहने का भाव है कि अभी हम भाग्यवान हैं कि ऐसे दीदी जी हमारे बीच में अभी हमको टाइम दे पा रही हैं। तो वही दीदी का कल भी दूसरा प्रोग्राम भी है। कल और परसों 4 से 5 हमने 2 सेशन मिले हैं दीदी जी का, तो कर रहे हैं। कल का जो प्रोग्राम है उसका जो टाइटल है वो है ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जब सेल्फ रियलाइजेशन हमको होना शुरू हो जाता है, वो छोटे छोटे पल में होता है, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े से हम बैठ जाए और हो जाए। तो अगर छोटा छोटा हम पल जो है उसमें करेक्शन हमको महसूस होता है, तो सेल्फ रियलाइजेशन आने से हम करेक्शन की तरफ सोचते हैं, और वहीं से हमको करेक्शन करने की विधि भी समझ में आती है, तो हम करेक्शन करना शुरू करते हैं। और जब करेक्शन करना शुरू करते हैं तो आपको आप बाबा की यानी कि परमात्मा की मदद तो मिलने वाली ही है, और उससे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। तो बहुत सुंदर कल का टॉपिक भी है, और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मदद करेगा हम सबको वो भी बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो कल का टॉपिक के लिए आप लोग जरूर आइए, वेलकम है, और उसका लाभ भी लीजिए, है ना, क्योंकि हम समझेंगे, अनुभव करेंगे तो बहुत अच्छे से हमको क्लियर भी होगा। जैसे अनुभूति जो है ना, वो दीदी जी का एक थियोरी के साथ वो करा है, वो मास्टरी है। तो आज भी उन्होंने शांति की अनुभूति कैसे करें, शांति हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा गहना है, अलंकार है, कह सकते हैं गले का हार है। तो वो जो अनुभूति कराई 10 मिनट में वो बहुत सुंदर थी। तो ऐसे ऐसे फीडबैक से समझ में आता है कि जो लोग भले अभी राजयोग नहीं सीखे हैं, लेकिन दीदी जी का सुनने के बाद भी वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने का मन हो जाता है कि नहीं, इससे हमको खुशी मिलेगी, तो वो भी सीख सकते हैं। और जो भाई बहनें थोड़ा बहुत यूट्यूब में भी देखा है, तो वो गहनता से उसमें अनुभूति करने भी चल जाते हैं, और साथ साथ में अगर क्लैरिटी आ जाती है, नॉलेज आ जाता है, तो अनुभूति करने में भी बहुत मज़ा आती है। तो आप लोग जरूर आइएगा कल के प्रोग्राम में, और फिर परसों भी है, यानी कि 8 तारीख को भी एक प्रोग्राम है, वो कल हम बताएंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं, कल मिलते हैं। ओम शांति।